हमने कौन से कर्म को अंतिम कार्य मान रखा है, संतान उत्पत्ति के उपरांत उनका पालन पोषण, अच्छी शिक्षा, फिर उनका शादी विवाह, फिर परमात्मा से मंगल कामनाएं करें, इनका रोजगार हो और फिर इनके संतान हो, और फिर संतान होने के बाद फिर हम ये सोच लेते हैं कि मैंने अपने परिवार को पैरों पे खड़ा कर दिया, अब मेरा काम पूरा हो गया। ये तो हमारा एक प्रारब्ध कर्म है, इसको तो हमने करना ही है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए हमने क्या किया, अपने लिए क्या किया? और जो भी आपने किया कराया वो परमेश्वर ने, परमात्मा ने आपके, आपकी जो हिस्ट्री सीट, आपके प्रारब्ध कर्म में पहले लिखा हुआ था, उतना ही होता है, उतना ही होगा। उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हम देखा करते थे बूढ़े बुजुर्ग, वो बैठकर बतलाते थे, कहते थे भाई दो लड़के थे, दो लड़की, दो सब की शादी कर दी, दो लड़के हुए, दो लड़की हैं, उनका विवाह शादी कर दी, भगवान ने उनके मौज कर रखी है, संतान होगी, हमारा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान हमारा शरीर पूरा कर दे, बेशक उठा ले, हमारा काम पूरा हुआ। अब यहाँ पता चलता है कि जो कार्य करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था वो तो हमने छुआ भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं किया, और कहते हमारा काम पूरा हो गया मनुष्य जीवन का। ऐ बोले आदमी, तेने तो जीवन बर्बाद कर दिया, सफल कहाँ हुआ तेरा जीवन? अपने आत्मा, जो भी आपके संस्कार में बेटा या बेटी, संपत्ति या कार कोठी, जो भी होना था वो आपके ही संस्कार का था, वो ना तो आपका चाहा हुआ ना आपका किया हुआ। एक मोटा सा उदाहरण देते हैं, संतान जैसे ब्याह हो जाता है, विवाह होते ही प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि परमात्मा लड़का हो, ये हमारे समाज में एक विशेष भावना बनी हुई है। वैसे तो लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये भी एक दुख का कारण न्यारा बना रखा काल ने, भ्रमित कर रखा है कि बेटा ना होगा तो गति नहीं होगी। अरे भले आदमियों, गति तो भगवान की भक्ति से होगी, बेटे और बेटी थोड़ी होगी गति। अब विवाह हो गया, विवाह के बाद प्रत्येक की ये टेंडेंसी बनी हुई है कि भगवान लड़का दे, और वो लड़का ना होकर के लड़की होगी, और दूसरी आस तो पूरी होती है कि परमात्मा का लड़का हो और वो भी लड़की होगी, तीसरी फिर इच्छा की कि भगवान इब का लड़का हो, जंतर मंत्र भी करवा लेता है कहीं से इधर उधर घूम फिर के, और फिर भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी। तो क्या आपका चाहा हुआ? आप तो लड़का चाहो थे और वही लड़की। तो इसी से समझ लेना कि जो कुछ आपको मिला है आपका सोचा चाहा नहीं मिला, आपके किस्मत और कर्म का मिला है पीछे का। और जो तूने करना है भविष्य में, जो जिससे तेरा प्रारूप बनेगा वो अब करना है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तू माँ के पेट में था, गर्भ के अंदर, उसमें रह रह कर याद कर रहा था परमात्मा, इस गर्भ से निकाल दे मुझको, मैं आपकी भक्ति किया करूँगा। क्योंकि माँ के पेट में ये बच्चा उल्टा लटका हुआ होता है,
नीचे को सिर ऊपर न पैर होते इसके। और कहीं से भी इसको रास्ता नहीं होता, जैसे किसी ने बोरी में बांध गए, बोरी में फिट करके उल्टा लटका दे वर्क्स के या कितना, तो उसने एक घंटे में नानी याद आ जाएगी। और हम 9 महीने काट काटते हैं माँ के पेट में और बाहर आकर भूल जाते हैं उस दुख को, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नकली साजबाज तैयार पावे है। तो उसमें फिर हम इतने भूल जाते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते। उस भूली हुई वस्तु को भी याद दिलाने के लिए परमेश्वर ही कृपा करते हैं, स्वयं आते हैं या अपने दासों को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं।